And I'm Akshaya. So today we are making white sauce pasta. So बहुत मजा आने वाला है हमें व्हाइट सॉस पास्ता बनाने में. तो वी टीन्स विल बी मेकिंग व्हाइट सॉस पास्ता. पर हम लोग बीच बीच में हमारी मम्मा मतलब मेरी मम्मा की हेल्प लेंगे. जैसे कि अभी हमने पास्ता को बॉइलिंग में डाल दिया है, तो मम्मा ने बॉइलिंग में डाला है उसको. तब तक हम लोग काटेंगे वेजीज. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक share and subscribe. So without wasting any moment, let's quickly get into the video. Guys, this is our pasta जो boil हो रहा है. तो इसको थोड़ी देर के लिए boil करेंगे जब तक ये soft नहीं हो जाता. यहाँ पर हम लोग हमारे veggies cut कर रहे हैं. तो अक्षय आप बताएंगे हम लोग क्या क्या cut कर रहे हैं. हम लोग यहाँ कट कर रहे हैं अनियन और थोड़ा सा रेड कैप्सिकम और थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम भी लेंगे. हाँ, तो ये सब एग्जैक्टली हमने आधा आधा सब कुछ लिया है. जैसे आधा सब कुछ लिया है तो यहाँ पर कैप्सिकम आधा नहीं लेना है. मैंने टू साइड्स लिया है बस कैप्सिकम का, रेड कैप्सिकम का और ग्रीन का भी, बस टू ही साइड्स लेना है. हाँ, तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा कॉर्न जिसको हम लोग डालेंगे. तो ये एक्चुअली फ्रोजन था, इसीलिए हमने इस कॉर्न को थोड़ा रख दिया था. गाइस, यहाँ पर जब तक अक्षय वेजीज कट कर रही है, मैं बटर डाल रही हूँ. और मैं इतना धीरे डाल रही थी कि मुझे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा, क्योंकि पहली बार कुकिंग कर रही है तो मेरे हाथ कांप रहे थे. गाइस, तो ये है हमारा बटर जो मेल्ट हो रहा है. आपको एज यू विश उतना बटर डालना है. मैंने इसको एक ही काम दिया था, बटर मेल्ट करने, वो भी नहीं कर पा रही थी, ये डर रही थी उसके लिए. ओहो, ज़्यादा मत खींच मेरी टांग. ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने हमारे सारे वेजीज को कट कर रखा है. ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है. अक्षय बस थोड़े और कैप्सिकम काट रही है. तो अभी मैं यहाँ पर हमारे सारे कॉर्न्स को डाल दूँगी स्पून बाय स्पून अच्छे से एकदम. तो इसको भी मैं बहुत धीरे धीरे करूँगी. सो गाइज, यहाँ पर भी मैं धीरे धीरे अपना काम करूँगी, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. तो अक्षय वेजीज कट कर कर यहाँ पर डालेगी, इसलिए मैं मिक्सिंग कर रही हूँ तब तक. और अभी अक्षय ऑनियंस डालेगी और ऑनियन के साथ एक छिलका भी डाल दी उसको. तो वो छिलका भी वो अभी हटाएगी, कितनी केयरलेस है देखो. तो वो यहाँ पर छिलका भी डालेगी और उसके बाद कैप्सिकम भी डालेगी और फिर यहाँ पर वही मिक्स करेगी, क्योंकि मैं थक गई इतनी देर से मिक्सिंग कर रही. राइट नाउ वी आर स्टिरिंग आवर वेजीज. तो अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम भी डाल देंगे कट करके. तो हमको बस टू पार्ट्स लेने हैं, पूरा कैप्सिकम नहीं लेना क्योंकि क्वांटिटी कम है इसलिए. तो अभी ये जो बीच में वाइट होता है सीड्स टाइप, उसको भी हटा देना है. अभी जसरीना मिक्स कर रही है बहुत डर डर के नहीं, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं. गाइस, यहाँ पर वो ग्रीन कैप्सिकम्स को कट कर कर डाल देगी इसके अंदर. तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं हमारा बॉइल्ड पास्ता तैयार है या नहीं. सो या दिस इज़ रेडी. तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे बाहर, इसको निकाल के. और यहाँ पर अक्षया ग्रीन वेजीज को ग्रीन नहीं, सारे कलर के वेजीज को मिला रही है. वेजीज इतने कलरफुल है ना. हाँ, इन्हें देख के ही मन कर रहा है ऐसे ही खा जाऊँ कॉर्न का बना के चाट. अभी हम लोग हमारी सारी वेजीज को प्लेट में शिफ्ट कर देंगे. You all can see our veggies are going to shift in our plate, which is the process is already done. Oh my god, what happened? Garlic. So यहाँ पर अक्षया गार्लिक डालना भूल गई है. तो that's not a big problem. हम लोग सॉस बनाते वक्त गार्लिक डाल देंगे, right? हाँ. Okay. सो गाइज, यहाँ पर हमारा पहले हम लोग बटर डालेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉस, वाइट सॉस. हम लोग ने एक साथ बोला. तो अभी इस बटर को हम फिर से मेल्ट करेंगे. अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर मी, मतलब मेरे अक्षय के हाथों से ही स्पून ले लिया. मैं करूँगी, मुझे मज़ा आ रहा है. फिर मुझे गरम गरम लगने लगा, मैंने छोड़ दिया. अभी हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक. हाँ, क्योंकि वो भूल गई थी वेजीज के टाइम पर. तो हम लोग अभी सॉस में ही गार्लिक डालेंगे. गार्लिक बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि गार्लिक से ही
टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा सब कुछ तैयार हो रहा है अभी गार्लिक के साथ। अगर आपको और गार्लिकी फ्लेवर चाहिए तो और भी गार्लिक डाल सकते हो। हमने थोड़ा ही डाला है। उसके बाद हमने ये मैदा ले लिया है। और हाँ, दूसरी बात, तुम लोग मिक्स करते ही जाना, क्योंकि ऐसे मिक्स नहीं करते रहो तो जल जाएगा, तो ऐसे मिक्स करते ही रहना। हाँ, इसीलिए इसको लो स्टीम पर रखना है। तो इसको मेरे से मिक्सिंग हो नहीं रही थी, अक्षय ने मुझसे ले लिया स्पून और वो खुद मिक्सिंग करने लग गई और उसने मुझे बोला कि मैं मिल्क डालूं। अगर ये करेगी ना तो जल जाएगा पूरा। हाँ, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर मैंने एक कप मिल्क डाल दिया है, धीरे धीरे डाल रही हूँ। अरे डालना अच्छे से। हाँ, डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल मिल्क डाल दिया है, मैं एक साथ पूरा डाल दूंगी एज ऑफ अक्षय ने ऑर्डर दिया है, और फिर मैं दूसरा बाउल मिल्क डालूंगी हमको, दैट मीन्स टू बाउल मिल्क डालना है। हमें कितनी क्वांटिटी में मिल्क डालना है अक्षय? हमको देखना है कि पास्ता कितनी क्वांटिटी में है, उसके हिसाब से हमको क्वांटिटी सॉस के साथ, मतलब सॉस भी उतनी क्वांटिटी बनानी है। हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर टू बाउल लिए हैं मिल्क के। तो इसको अच्छे से हम लोग स्टियर करके मिक्स कर देंगे। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है। इसमें सबसे पहले बटर डालना है, उसके बाद गार्लिक डालना है, और उसके बाद मैदा डालना है, और उसके ऊपर मिल्क डाल के अच्छे से स्टियर करना है। तो अभी मैं अपना अमूल का स्लाइस चीज़ ला चुकी हूँ, तो अक्षय ने मुझे रोक दिया क्योंकि यहाँ पर उसे और मैदा डालना था, क्योंकि उसको लगा मैदा थोड़ा कम है। तो गाइस, मैं बता रही हूँ, आप हम लोग को थोड़ा बहुत तो आता है गैस कैसे हैंडल करना है, तो आप अपने पेरेंट्स के हेल्प ले के बनाना, बिना पेरेंट्स के हेल्प के मत करना। तो अभी ये स्टीयरिंग कर रही है बैठ के अच्छे से एकदम। हमने थोड़ा बहुत तो आंटी का हेल्प ले लिया है, आप भी लेना। हाँ, और अगर आपके मम्मी पापा मना करें तो जितना करना। तो अभी यहाँ पर हमारा चीज़ स्लाइस ला चुके हैं, तो इसमें करीबन दो चीज़ के स्लाइस डालेंगे अमूल के। तो मैंने अभी एक डाल दिया है और अभी मैं एक और चीज़ स्लाइस ला रही हूँ। तो ये अभी हमारा एक और चीज़ स्लाइस डल गया है, फिर ये यहाँ पर अच्छे से मेल्ट होगा, इसको कोई तोड़ के डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अच्छे से अभी फिर से स्टियर कर देंगे। सो गाइस, इधर हमने ले लिया पास्ता मिक्स, तो अभी हम इसको ऐड करते हैं इतना। तो ये क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है ऐड करने पे। और अभी हम डालेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ा सा, ओके डन। उसके बाद हम डालेंगे डोमिनोज का चिली फ्लेक्स। हाँ, क्योंकि जब मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो मुझे ये चिली फ्लेक्स मिल गए थे, वरना हम लोग चिली फ्लेक्स डाल ही नहीं पाते, और कोई भी टेस्ट नहीं आता इसके बिना ग्रेवी में। हाँ, आपको चिली फ्लेक्स जितना ऐड करना है वो आपकी मर्ज़ी, आपके स्पाइस लेवल्स के हिसाब से डालना। हाँ, तो अभी इसको हम लोग अच्छे से स्टियर करके मिक्स कर देंगे। यहाँ पर फटाफट हम लोग मिक्सिंग कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर वेजीज डाल देंगे बहुत सारे, जो हमने ऑलरेडी साइड करके रखे थे हमारे प्लेट पे। इतने कलरफुल लग रहे हैं वाइट सॉस के ऊपर। हाँ, सुंदर है। हाँ, और इसको फटाफट हम लोग स्टियर कर देंगे ताकि हमारा पूरा सॉस रेडी हो जाए। यहाँ पर अक्षय एकदम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देगी और उसके बाद हम लोग हमारा बहुत सारा पास्ता यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर। शायद इसमें नहीं फिट आएगा पास्ता, तो अगर नहीं आएगा तो हम चेंज करेंगे, ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं। तो चलिए इसको फटाफट फिट करते हैं। गाइज, यहाँ पर ये फिट नहीं हुआ जैसा कि हमने डाल दिया, देख लिया, तो हम लोग इसको फटाफट शिफ्ट कर लेंगे। तो ये पैन पूरा खाली हो गया और हमने इस बड़े से कढ़ाई में हमारा पूरा शिफ्ट कर दिया। ओके गाइज, तो अभी इस पास्ता को अच्छे से मिक्स करना और फ्लेम को ऑफ कर लेना, क्योंकि अभी बस मिक्सिंग का पार्ट बचा है। अच्छे से मिक्स करना ताकि सॉस पूरे पास्ता में फैल जाए। ओके, दिस इज लुकिंग सो डेलिशियस। तो अभी हम लोग मिलते हैं इसको ट्राई करने के वक्त पर। गाइस, दिस इज हाउ आवर पास्ता लुक्स लाइक। तो ये बहुत ज्यादा यमी है गाइस, हालांकि हम लोग नमक डालना भूल गए। ऑफ कोर्स बच्चे पहली बार कुकिंग करे, नमक डालना भूल गए हम, बट हमने बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने बटर डाला, उन सब में नमक का थोड़ा एसेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा यम्मी है गाइस। डू ट्राई इट,
मैं पहली बार ऐसा वाला व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप जरूर ये रेसिपी फॉलो करें और सो टेक केयर, बाय बाय।